अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब्स। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एयर होस्टेस की जॉब्स के बारे में, जो कि अनाउंस हुई हैं पाकिस्तान के नई एयरलाइन फ्लाई जनाह में, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, इसको एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब्स आर सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको डेली बेस पे जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जॉब्स आर। ऐसे आपने सर्च करना है गूगल पे और इस पहले लिंक पे जहाँ पे जॉब्स आर डॉट इन्फो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं लेटेस्ट जॉब्स इन दिस वीक, और आपके यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं फ्लाई जनाह जॉब्स। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो पोस्ट ओपन हो जाएगी, आप यहाँ पे थोड़े से नीचे आकर इसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं और यहाँ पे इसके क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे फ्लाई जनाह की बात करते हैं, तो ये पाकिस्तान की न्यू एयरलाइन है जो कि इसी साल ऑपरेट हुई है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है और ये फ्रेश एयरलाइन है पाकिस्तान की फ़ाओं में, ये जो नई उड़ रही है ये यहाँ पे ऑपरेट हुई है, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग इसका क्राइटेरिया अगर आप लोगों से शेयर किया जाए, तो यहाँ पर ये कैबिन क्रू की जॉब्स हैं यानी कि एयर होस्टेस के लिए, तो इसमें जो है वो यहाँ पे अगर क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी जो एज है वो कम से कम 20 साल तक होनी चाहिए। 20 साल से कम वाले नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा वाले कर सकते हैं। ठीक है, 20 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा है तो कर सकते हैं। 35 ईयर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर होनी चाहिए, FA, FSC, ICOM, DCOM, ISIS अगर आपके पास है, तो कम से कम इंटर क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। ज़्यादा वाले भी कर सकते हैं लेकिन इंटर मस्ट है। उसके बाद यहाँ पे अगर हाइट की बात करें तो इसमें फीमेल्स के लिए जो हाइट है ये 160 सेंटीमीटर्स यानी कि 5.2 5 फीट 2 इंच फीमेल्स की हाइट, और 168 सेंटीमीटर्स मेल्स भी इसमें कर सकते हैं। तो मेल्स के लिए जो यहाँ पे हाइट बनती है 5.5 है, यानी कि 5 फीट 5 इंच जो है मेल्स की हाइट होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो है वो बाकी कंडीशंस हैं कि आप क्लियर स्किन होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, और आपके जो है वो स्किन पे कोई मतलब एक्ने या पिंपल या डार्क स्पॉट नहीं होने चाहिए, टैटूज वगैरह भी इस किस्म से कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने इसको रीड कर लेना आप। उसके बाद फिज़िकली और मेडिकली फ़िट होने चाहिए, ठीक है, और इसमें डिसेबल्स अप्लाई नहीं कर सकते। इसका सिंपल से क्राइटेरिया, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर होप्स समझ आ गई होगी। तो अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपने करना है ऑनलाइन। ठीक है, आप लोग जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस इंटरफेस पे। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाएंगे इस इंटरफेस पे। यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको करना है स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कैबिन क्रू पाकिस्तान, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी भी जॉब लिस्टेड है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टिकटिंग एजेंट की और ये वो जो भी है आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एयर होस्टेस की जॉब्स हैं, आपने इसको रीड कर लेना है। आप यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो दो ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है तो उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। अगर आपकी आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने फेच करेगा डाटा को, उसके बाद आपको नेक्स्ट इंटरफेस पर ले जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है ये देखें, यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि आप यहाँ पर अपना पासवर्ड और ईमेल दें। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये क्रिएट अकाउंट का बटन है ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखिए अपना ईमेल एड्रेस लिखें, दोबारा ईमेल एड्रेस लिखें और पासवर्ड, पासवर्ड कोई भी आसान सा जो आपको बाद में याद रहे, रीटाइप पासवर्ड वो भी जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखना है। अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपना कंट्री लिखें यहाँ पर पाकिस्तान, उसके बाद अपना नंबर लिखें और उसके बाद यहाँ पर ऐसा अगर आप इनको चेक करना चाहते हैं तो चेक कर दें। आंसर इनका मतलब ये है कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जॉब के, तो जैसे आपकी मर्ज़ी है इसको अनचेक कर दें और क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपके यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा।
अकाउंट बनेगा, फिर आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। पासवर्ड कौन सा जो अभी आपने यहाँ पे दिया है वही पासवर्ड यहाँ पे लगाना है और फिर आपने साइन इन कर देना है। फिर आपने यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद ही होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।